इधर देखिए दादा सर, इधर देखिए, जुड़ी भी है आज फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, इसलिए ये बयान दे रही है। तो आपकी गलतफहमी है, एकता कपूर भी इसी करणी सेना के सामने सन 2012 में जब इनकी फिल्म आई थी वंस अपॉन ए टाइम मुंबई दोबारा, हमने एक दिन तक नहीं चलने दी, खुद हाथ जोड़ के 15 मिनट तक माफी मांग के खड़ी थी। अगर उसके पीछे नाच रहे हो या मोदी जी के पीछे, तो आने वाला टाइम बताएगा कि राजस्थान में मोदी जी आएगा या राजपूत आएगा। राजपूत अगर कभी भी बिगड़ा ना, तो राजपूत बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है। और ये आपके ये जो मंत्री अनगल जवाब सवाल जवाब कर रहे हैं, उनको समझा के रखिएगा कि आने वाले दिनों में इलेक्शन में बताएंगे कि राजपूत करने से ना क्या रुखा हुआ इख्तियार करती है और क्या जवाब देती है। महिपाल जी क्या कहना चाहेंगे, मुंबई का जो आगमन था, मुंबई का कार्यक्रम था, क्या क्या कुछ कार्यक्रम था और उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री है उनको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि ये लोग राजस्थान से ही विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो हम इसीलिए आए हैं जो पद्मावती फिल्म का जो ये प्रमोशन करना चाहते हैं, जल्द से जल्द 1 दिसंबर को ये लोग रिलीज डेट बता रहे हैं। जब तक राजपूत समाज रिलीज नहीं करेगा, तब तक राजपूत समाज इसको ऑथराइज नहीं करेगा कि हाँ दिखा सकते हो, क्योंकि इन्होंने हमसे एग्रीमेंट करा था जयपुर में जब ये भंसाली जी पिटते गए थे इसी करणी सेना से मेरे नेतृत्व में, तब हमसे लिखित में इनके CEO है शोभा संत, महिला है, उन्होंने लिखित में दिया था कि हम लोग बकायदा आपको दिखाएंगे और फिर आपको आपत्ति नहीं होगी तो हम ये फिल्म प्रदर्शित करेंगे। और मुझे कहीं ना कहीं ये जो तनिष्क की जो ज्वेलर है उसने पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसके बैनर पोस्टर होल्डिंग लगाए हैं, हमने उसके सब ज्यादातर जगह उतरवा दिए हैं, इसीलिए कि बिना दिखाए तुम लोग अभी कुछ भी रिलीज मत करो, अगर करते हो तो हमें कहीं ना कहीं लग रहा है तुम्हारी मानसिकता में खोट है। जैसा कि अभी चल रहा है हसीना पारकर जैसी महिलाओं को तो बड़ा दिखाया जा रहा है, जिस महिला ने 16,000 रानियों के साथ अग्नि को समर्पित कर दिया, अपने शरीर को जौहर कर लिया, पर इन लोगों को मालूम नहीं है जौहर चीज क्या होती है। जौहर अपने मान सम्मान के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने का वो एक जज्बा है। अगर बाहर का आक्रमणकारी आप पे भारी पड़े, लगे कि महिलाओं की इज्जत मर्यादा नहीं बचेगी, वो अपनी मान मर्यादा के लिए, इज्जत के लिए, अपने सतीत्व के लिए अग्नि को समर्पित अपने शरीर को कर देती थी, वो जौहर है। तो इन लोगों को क्या मालूम जो अपनी बहन बेटियों को नचाते हैं, इन लोगों को मतलब नहीं है, क्योंकि जो अपनी बहन बेटियों की कमाई खाता हो, जो उनको हर दिन फिल्म में नंगा दिखाता हो, इनको क्या मालूम कि महिलाओं की इज्जत क्या होती है। मैं केवल यहाँ के माया नगरी मुंबई है, यहाँ के केवल इनके यहाँ के जितने भी लोग हैं, अभी जैसे ही कल मैंने स्मृता ईरानी का एक जो मंत्री हैं उनका एक वो अभी पढ़ा बयान के कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी इसके प्रमोशन पे, इसके टेलीकास्ट पे, तो स्मृता ईरानी जी महिला